खंडवा जिले की मुंडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 26 किलो 100 ग्राम के लगभग 11 लाख कीमत का गांजा जब्त किया है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर एक बड़ी लगाम साबित होगा। मुखबिर से सूचना मिली थी कि शनिवार को महाराष्ट्र से इंडिका गाड़ी क्रमांक MP09 में दो अज्ञात व्यक्ति खंडवा से मुंदी की तरफ अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जा रहे थे। सूचना पर मुंदी पुलिस के द्वारा ग्राम खेगांव के पास चेक पोस्ट पर सिल्वर कलर की इंडिका पर रोकी गई, जिसमें पूछताछ और जांच करने पर दो आरोपियों के पास से 26 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख रुपये है और कार सहित 12 लाख रुपये ज्यादा की बताई गई है। दोनों ही आरोपी ग्राम मोतुआ बोरखेड़ी जिला बुलडाना महाराष्ट्र का होना बताया है। दोनों से पूछताछ में दोनों ने देवास जिले में किसी को यह माल सप्लाई करने की बात कही। वहीं मुंदी SDOP राकेश पेट्रो और थाना प्रभारी अंतिम पवार और स्टाफ के द्वारा इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SDOP राकेश और अंतिम पवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इनमें कई तस्करियों से जुड़े साथियों से पूछताछ की जा रही है। मुंदी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। जो कल गांजा पकड़ा गया है तो ये कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे और कितनी मात्रा में? कल 12 बजे दोपहर थाना प्रभारी मुंदी को मोबाइल से सूचना मिली कि एक इंडिका कार में दो व्यक्तियों द्वारा कुछ मादक पदार्थ लाया जा रहा है। उसके आधार पर जो हमारा SST पॉइंट है उसके आगे पूरी जानकारी के साथ हमारी टीम लग गई थी। तो दिन के 2 बजे करीब वहाँ से उक्त कार आती दिखी, जिसका नंबर था 09SD 0352। उसको वहाँ पर रोका गया और रोकने के बाद वहाँ पर दो व्यक्ति उस कार में बैठे मिले, जिनसे उनका नाम पूछा गया, जिसमें एक का नाम उसने शेख वसीम, पिता शेख नजीर, मुसलमान, 27 साल, और दूसरा व्यक्ति रऊफ उर्फ आसिफ, पिता शेख यूसुफ, निवासी ग्राम मोतला, थाना बोराखेड़ी, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र का उन्होंने बताया। पूरी प्रक्रिया के हिसाब से और सही प्रोसीजर के साथ में जब उनको चेक किया गाड़ी में तो दो थैलियां मिली जिसमें गांजे मिले। एक थैली में 14 किलो 800 ग्राम और दूसरी थैली में 11 किलो 300 ग्राम। इस तरह से कुल 26 किलो 100 ग्राम गांजा उनके पास से बरामद किया गया है और उनका इंडिका सहित यदि उसका मूल्य आंका जाए तो वो है 12 लाख रुपया गाड़ी सहित जब्त किया गया। सर, ये कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे थे, इनका जो तंत्र है वो? पूछताछ में अभी तक मुझे बताया कि ग्राम मोतला जो कि महाराष्ट्र में आता है वहाँ से सतवास के आगे किसी व्यक्ति को देने का इनका प्लान था, जिसके संबंध में फिर से जांच की जा रही है कि किसको देने जा रहे थे और कहाँ से लाए थे, संबंध में पूरी जांच की जाएगी। और इनका नेटवर्क यहाँ आसपास भी जानकारी कुछ लग रही है? अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी और जांच के दौरान जो तथ्य आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। आगे पूछताछ के लिए इनका रिमांड आदि लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।